सिल्क रोड 2011 से 2013 तक डार्क वेब पर प्रचलित एक दुष्प्रचार पूर्ण ऑनलाइन बाजार था। यह रॉस उल्ब्रिक्ट ने बनाया था, जो उसके नकली नाम ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के तहत संचालन करता था। सिल्क रोड वेबसाइट ने क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके मुख्य रूप से ड्रग्स जैसे अवैध वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की थी। इस प्लेटफॉर्म ने एनोनिमिटी उपकरण जैसे टॉर का उपयोग करने और अनुक्रिप्सी क्रियाकलाप को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया था। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न अवैध पदार्थों, जाली दस्तावेजों, हैकिंग उपकरणों और अधिक की खरीद और खोज करने की सुविधा प्रदान करता था। लेन देन बिटकॉइन का प्रयोग करके किया जाता था, जो एक और छिपाने वाला परत था। हालांकि सिल्क रोड ने एक बड़े उपयोगकर्ता आधार को आकर्षित किया और विपुल लाभ उत्पन्न किया, लेकिन कानूनी संगठन ने अंततः साइट के खिलाफ कार्रवाई की। अक्टूबर 2013 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने सिल्क रोड को बंद कर दिया और रॉस उल्ब्रिक्ट को गिरफ्तार किया। उल्ब्रिक्ट को बाद में कई आरोपों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर हैकिंग और ड्रग तस्करी के आरोप में सबक दिया गया। सिल्क रोड मामले ने मीडिया की बड़ी ध्यान केंद्रित किया और डार्क वेब, ऑनलाइन गुमनामी और क्रिप्टोकरेंसी के नियमन पर विचार विमर्श को उबारा। यह कम से कम विधिक प्रशासन के सामरिक गतिविधियों पर इंटरनेट पर अवैध गतिविधियों से निपटने में उन्हें प्रारंभिकता दी। महत्वपूर्ण यह है कि अवैध गतिविधियों जैसे कि अवैध सामानों की खरीद या बिक्री न केवल अनैतिक है, बल्कि अधिकांश प्रदेशों में कानून के खिलाफ भी है। सिल्क रोड एक सावधानीपूर्वक कहानी और अवैध ऑनलाइन बाजारों में हिस्सा लेने की जोखिमों की याद दिलाती है।